जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस ड्राई मुटकी सब्जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुटकी ड्राई सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 3/4 कप मठ लिए हुए हैं। ये मठ को हमने पानी से 3-4 बार अच्छे से धो के 6-7 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। तो अभी हमारे मठ है वो अच्छे से भीग गए हैं। आप ऐसे मठ को तोड़े तो वो अच्छे से टूट जा रहे हैं, यानी कि अच्छे से सोख हो गए हैं। अब हम इससे ड्राई सब्जी बनाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। मठ बनाने के टाइम पे हम इसमें हींग डालते हैं तो मठ है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें 4 कली लहसुन की डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा सा सोते कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सरसों डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। सरसों और जीरा दोनों अच्छे से तड़क गए हैं। अब हम इसमें हमारे सोख किए हुए मठ है वो डाल देंगे। इसे तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे, साथ में ही 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मठ में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1/4 कप गर्म पानी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। अब हमें इस प्लेट में पानी डाल देना है। अब हम गैस की फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। अब पैन के अंदर मठ है वो पकेंगे और साथ में इसके ऊपर ये पानी भी गर्म होता रहेगा। और आप देखेंगे तो ये पानी गर्म होगा और इसके नीचे ये प्लेट में भी थोड़ा थोड़ा पानी एवोपरेट होगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पानी उसमें गिरता जाएगा। और अब ये प्लेट में पानी है वो गर्म होगा और जब जरूरत हो तो हम उसमें भी डाल सकते हैं। और हमें इस तरह से प्लेट में पानी डाल के ये मठ को पकाना है। 5 मिनट हुए, हम इसे खोल लेंगे और एक बार फिर से चला लेंगे। मठ है वो 80% पक गए हैं। अभी भी हमें इसे थोड़ी देर रखना है तो हम इसे फिर से ढक के रख देंगे। 3-4 मिनट हो गए तो हम इसे खोल के देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं पानी भी ऑब्जर्व हो गया है और हमारे मठ है वो भी अभी अच्छे से पक गए हैं। हम इसे थोड़ा चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मठ है वो बीच में से थोड़े से फूट गए हैं। हम इसे ऐसे दबाए तो ये अच्छे से टूट जा रहे हैं, यानी कि मठ है वो अच्छे से पक गए हैं। हमें इस तरह से मठ के पूरे दाने ही रखने हैं। मठ है वो मेस नहीं होने चाहिए, इस तरह से खिले खिले ही रहने चाहिए। अब हम इसमें 1/2 नींबू का जूस डाल देंगे। हमें नींबू का जूस है वो मठ पक जाने के बाद ही डालने, नहीं तो मठ है वो पकेंगे नहीं। साथ में बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी बहुत ही खिली खिली मठ की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे।